गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश फ्रॉम स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश मीडियम, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में नया चैप्टर शुरू किया था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क। और उसकी पोइम भी हमने सीखी थी और न्यू वर्ड्स भी देखे थे और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने उस वीडियो लेक्चर में सीखे थे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसके बाद की अदर जो एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस वर्ड इन द पोएम डॉन एंड वॉन्ट। हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। डॉन का फुल फॉर्म है डू नॉट। यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड इसके पोएम में से कुछ वर्ड दिए गए। डॉन, तो डॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में डॉन्ट लिखते हैं। और वॉन्ट, तो वॉन्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? विल नॉट। ओके, तो यहाँ पे नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ऊपर जैसे हमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि डॉन्ट, तो डॉन्ट का फुल फॉर्म है डू नॉट, और वॉन्ट, तो वॉन्ट का फुल फॉर्म है विल नॉट। तो ऐसे यहाँ पे नीचे कुछ और वर्ड्स हमें दिए गए, उसके फुल फॉर्म हमें लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिडंट, डिडंट, ओके, तो डिडंट का फुल फॉर्म का होगा डीड नॉट। डीड का फुल फॉर्म होगा डीड नॉट। सेकंड वर्ड इज शुडंट, शुडंट, तो शुडंट का क्या होगा? शुड नॉट। उसके बाद है वुडंट, वुडंट का फुल फॉर्म क्या होगा? वुड नॉट। कुडंट, कुडंट का फुल फॉर्म क्या होगा? कुड नॉट। उसके बाद है मस्ट, मस्ट का क्या होगा? मस्ट नॉट। सो ये सारे वर्ड्स थे जो हमने फुल फॉर्म उसका लिखा। उसके बाद है लेट्स टॉक, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, व्हाई, क्या आप अंधेरे से डरते हो, क्यों। सो हम अंधेरे से डरते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उसमें से एक आंसर हम लिख सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी अराउंड मी इन द डार्क। द आंसर इज आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी अराउंड मी इन द डार्क। मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि मैं अंधेरे में अपने आजू बाजू देख सकती नहीं हूँ, इसलिए मुझे अंधेरे में डर लगता है। सेकेंड वन इज वॉट डू यू डू वेन इट इज़ डार्क, आप क्या करते हो जब अंधेरा हो जाता है। सो द आंसर इज आई गो टू बेड एंड स्लीप व्हेन इट इज डार्क। आई गो टू बेड एंड स्लीप व्हेन इट इज डार्क, मैं जब अंधेरा हो जाती है, शाम हो जाती है, तब मैं अपने बेड में जाता हूँ सोने के लिए। ओके, उसके बाद थर्ड वन इज हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट, क्या आप कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही डर गए हो, बहुत ही घबरा गए हो। फ्राइटेड, फ्राइटेड का मीनिंग होता है बहुत ही डर जाना, क्या आप कभी बहुत ही डर गए हो, उसके बारे में अपने पार्टनर को बताओ। सो मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर इज यस, आई वंस गॉट फ्राइटेड विथ द साउंड ऑफ एन यूटेंसिल डेट फेल इन द किचन इन द डार्क। यस, आई वंस गॉट फ्राइटेड विथ द साउंड ऑफ एन यूटेंसिल डेट फेल इन द किचन इन द डार्क। मैं एक बार बहुत ही डर गई थी, बहुत ही घबरा गई थी, जब किचन में एक बर्तन गिर जाता है अंधेरे में, तब मैं बहुत ही फ्राइटेड, मैं इसकी घबरा गई थी, डर गई थी। यहाँ पे आप अपना खुद का भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो। उसके बाद ये से अलाउड को लाउडली कहना है। वॉट इज द वर्ड डेट स्टार्ट विथ टी, राइम्स विथ सीज and means to playful make fun of, playfully make of, make fun of। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है what is the word that start with T, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी शुरुआत T से होती है, rhymes with सीज, और उसका rhyming जो word है वो क्या होता है, तो सीज होता है, and means to playfully makes fun of, और उसका जो means होता है, meaning होता है, उसका meaning क्या होता है, तो playfully make fun of। सो आवर आंसर इज टीज, टीज का मीनिंग होता है प्लेफुली मेक फन ऑफ,
और इसका राइमिंग वर्ड होगा सीज, और वो स्टार्ट भी टी से होता है। सेकंड वन इज व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी राइम्स विद नियर एंड फियर एंड मीन्स इजी टू सी हियर एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी शुरुआत सी से होती है, राइम विथ नियर एंड फियर, और उसका राइम जो है राइमिंग वर्ड है वो क्या है, तो नियर और फियर है, एंड मीन्स इजी टू सी हियर एंड अंडरस्टैंड, और उसका जो मीनिंग है वो होता है इजी टू सी हियर एंड अंडरस्टैंड। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी शुरुआत सी से होती है, जिसकी राइमिंग वर्ड नियर और फियर होती है, और जिसका मीनिंग इजी टू सी हियर एंड अंडरस्टैंड होता है। सो आवर आंसर इज क्लियर, क्लियर का मीनिंग होता है इजी टू सी हियर एंड अंडरस्टैंड, और उसका राइमिंग वर्ड होगा नियर एंड फियर, और वो स्टार्ट सी से होता है। ओके उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज से टी टी टी, आपको टी 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 कहना है। उसके बाद है क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, जब आप टी बोलते हो तब आपका जी आपकी जो टंग है वो कहाँ टच होती है, आप ट्राई कीजिए बोलना। आप जब टी बोलते हो तो आपकी टंग है वो कहाँ टच होती है, तो आंसर इज द अपर पार्ट ऑफ माउथ। ओके अपर पार्ट ऑफ माउथ, हमारे माउथ का जो अपर पार्ट है ऊपरी जो भाग है वहाँ पे जो टंग है वो टच होती है जब हम टी कहते हैं। उसके बाद है लिसन एंड रिपीट कैट, यहाँ पे आपको सुनना है और फिर रिपीट करना है कैट। तो आप जब टी बोलोगे तब आपकी जो टंग है वो आपके माउथ के अपर पार्ट को टच होती है। उसके बाद डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड, डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड, कि आपने सुना आपने टंग ने क्या किया। तो आप जब कैट कहते हो तब आपकी जो टंग है वो टी मतलब ऊपरी जो भाग है वहाँ पे टच होती है। से टीज से दिस वर्ड एंड फील दैट, से दिस वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से। तो यहाँ भी ये सारे कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो आपको ये सारे वर्ड्स कहने हैं और फिर फील करना है कि आपका जो आपकी जो टंग है वो क्या कहती है। यहाँ पे टो ये आपको लाउडली स्पीक करना है, टो। उसके बाद है टॉप, उसके बाद है टाई, उसके बाद है टेन, टो टॉप टाई एंड टेन। तो ये सारे वर्ड्स जो आप कहते तो आपको कैसा फील होता है, आपकी टंग कहाँ टच होती है, आपको फील करना है। ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। ओके ओके सो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है यहीं पे फिनिश होता है। स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखा, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क हमने पोएम में से, उसके अदर जो एक्टिविटीज है वो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी। हमने सबसे पहले फुल फॉर्म्स देखे, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेस टॉक में हमने क्वेश्चन आंसर देखे, उसके बाद से अलाउड कुछ क्वेश्चन दिए गए थे वो भी हमने देखे, उसके बाद टी 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 के बारे में उन्होंने पढ़ा जिसमें आपकी टंग टी पर आप टी बोलते हो तो कहाँ टच होती है, कैसी फूल होती है, वो आपको हमने यहाँ पे इस देखा। सो इस चैप्टर की अदर एक्टिविटीज से वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।